नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे अच्छे होंगे, अच्छा खासा पैसा बना रहे हो फैंटेसी स्पोर्ट्स से। पीकेएल प्रो कबड्डी लीग 2024 सीजन 11 का आगाज हो चुका है। सीजन 11 के लिए पांचवा मैच खेला जाना है बेंगाल वॉरियर्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में। कबड्डी जो है ना मेरे भाई, कबड्डी पावर और स्किल का गेम है। प्लेयर्स पावर लगाएंगे, मैच जीतेंगे। आप स्किल का यूज करोगे, पैसे बनाओगे। ठीक है, तो भाई हम पैसे बना रहे हैं तो किसी का कलेजा फटे जा रहा है। ठीक है, हमारे जितने भी भाई हैं ना, भाई भर भर के पैसे बनाए हैं। चलो चलते हैं, प्रूफ शो करते हैं सारी चीजें। देखो एक बात इम्पोर्टेंट है, गांठ बांध लो। आप अगर टेलीग्राम पे आए हो ना, तो कहीं से ना कहीं से आप प्रॉफिट में ही रहोगे मेरे भाई। आपको किसी तरीके से नुकसान झेलने की आवश्यकता नहीं होगी। देखो दो मैच था ना, फर्स्ट मैच जो खेला गया तेलुगु टाइटन्स बनाम बेंगलुरु बुल्स के बीच में, ओपन मैंने दिया तेलुगु टाइटन्स विन करेगी। तेलुगु टाइटन्स विन करा और हम लोगों ने भर भर के मेरे भाई पैसे कमाए। ठीक है, भर भर के एकदम तगड़ा वाला प्रॉफिट निकाले हम लोग। जाके चैनल विजिट करके आप देख सकते हो सारी चीजें, सारी चीजें आप लोगों के सामने है। ऐसा नहीं है कि आपसे छुपा हुआ है, आपके बैग पे कुछ चल रही है, नहीं, सारी चीजें आप लोग के सामने है। देख लो, भर भर के हम लोगों ने पैसा बनाया। दूसरा मैच खेला गया मेरे भाई, चलो दूसरा मैच के ऊपर ले चलते आपको, सारी चीजें दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। देखो दूसरा मैच खेला गया ना, यहाँ से देख लो भाई, भर भर के पैसे बनाए यार। दूसरा मैच खेला गया दबंग दिल्ली बनाम यू मुंबा के बीच में। डायरेक्टली मैंने बोला दबंग दिल्ली जीतने वाली है। ठीक है, हालांकि नवीन कुमार नहीं चले, आशु मलिक के बदौलत टीम विन की, बट हम लोग भी अच्छा खासा पैसे विन करें। देख लो सर, सारी चीजें मेरे भाई आपके ऊपर है। ठीक है, स्टेक से लेकर हर एक चीज आप लोगों के सामने है मेरे भाई। ठीक है, तो जाओ फायदा उठाओ यार इस चीज का। सारी चीजें ओपन है मेरे भाई आप लोगों के लिए, ए टू जेड फ्री है, कहीं भी एक रुपए का डिमांड आपसे नहीं किया जा रहा है, तो फायदा उठाओ इस चीज का। ठीक है, बाकी इस वीडियो में जो मैच खेला जाना है बेंगलुरु बुल्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स, सॉरी मेरे भाई, अभी जो मैच खेला जाना है बेंगाल वॉरियर्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में, इसमें आपको क्या सब देखने के लिए मिलेगा? देखो कैप्टन मनिंदर को बनाना है या अर्जुन को बनाना है। ठीक है, कुछ चीजें हैं, जब मैं पोजिशन लूंगा सारी चीजें बताऊंगा हर एक प्लेयर के बारे में, किस पोजीशन पे खेलेंगे, तो फिर ये मुद्दा निकलेगा। और क्रेडिट की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी आ रही है आप लोगों के साथ इस मैच में, कि अच्छे प्लेयर को उठा ले रहे हो, क्रेडिट की प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। तो मेरे भाई कैसे आपको क्रेडिट को मैनेज करते हुए एक बेहतरीन टीम बनाने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो वीडियो पसंद आएगा ना, दबा के कमेंट कर दो और दबा के शेयर करो मेरे भाई। ठीक है, शेयर नहीं करते हो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट लाइक तो कर ही दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जुड़ जाओ टेलीग्राम से फाइनल टच के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं मुद्दा के ऊपर। उससे पहले बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं वीआईपी आईडी का, आप भी उठा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम नंबर मैंने दे रखा है, कंसल्ट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी आईडी मिल रही है, उठाओ लुप। ठीक है, पीकेएल का ऑफर है, मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो ढाई महीने मिलेगी उसके बाद बंद हो जानी है। ठीक है, तो पीकेएल का फायदा उठाओ यार। ठीक है, जाओ कंसल्ट करो, ए टू जेड फ्री है सारी चीजें। अब देखो बेंगाल वॉरियर्स के लिए स्टार्टिंग सेवन देखो मेरे भाई। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो मनिंदर जो है वो राइट रेडर हैं, ठीक है, और ये सेंटर पे खेलने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मयूर कदम राइट कवर पे दिखेंगे, अर्जुन राठी लेफ्ट रेडर हो गए, बात करें वहीं पे देखोगे तो राइट कॉर्नर पे नितेश दिखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे मेरे भाई आपके लिए, इंपॉर्टेंट दोनों कॉर्नर होंगे, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर दोनों कॉर्नर इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए बेंगाल वॉरियर्स की तरफ से। क्यों होंगे मैं सारी चीज आपको बताता हूँ। वही लेफ्ट कॉर्नर फजल अंतराचली, जो कि एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भाई, पावरफुल, अच्छा खासा स्किल, अच्छा खासा मेरे भाई टैकल करते हैं मेरे भाई, अच्छा खासा एंकल होल्ड होता है भाई, पकड़ लेना एंकल तो छोड़ने वाले तो है नहीं फैजल। आपको पता है लंबे समय से पीकेएल खेल रहे हैं, ठीक है, नितिन हो गया, ठीक है, जो कि राइट रेडर रहेंगे। यही बात करें सरियास का तो लेफ्ट कवर पे आपको नजर आएंगे, ये स्टार्टिंग सेवन है। अब कुछ चीजें बदलेगी जब आप देखोगे स्टार्टिंग सेवन जयपुर पिंक पैंथर्स का, क्या, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों लेफ्ट राइट कॉर्नर आपको सेव करने हैं बेंगाल वॉरियर्स के लिए। क्यों सेव करने हैं, यहाँ पे सारी चीजें देखोगे तो आपको समझ में आ जानी है। ठीक है, अर्जुन देसवाल जो कि राइट रेडर है मेरे भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सुरजीत राइट कवर पे दिखेंगे, श्रीकांत यादव जो है मेरे भाई यहाँ से लेफ्ट रेडर हो गए। लक्की शर्मा, छोटा नाम है बट काम इनका बड़ा रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। ठीक है,
अगर बैच पे अगर चेयर पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं तो लक्की शर्मा आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे क्यों मैं भी आपको बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। इधर से देखोगे रेजा हो गए लेफ्ट कवर पे दिखेंगे, विकास कंडोला राइट लेफ्ट रेडर हो गए, और ये बात करें मेरे भाई अंकुश राठी का तो जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे आपको नजर आएंगे अंकुश राठी, ठीक है। बड़ा नाम बड़ा काम हमेशा से मेरे भाई जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए अच्छा करते आए हैं अंकुश राठी, अपना दिल जान लगा के खेलते हैं मेरे भाई, मैट पे उतरते हैं तो भाई तहलका मचा देते हैं। अब देखो लेफ्ट कॉर्नर पे अंकुश राठी, ठीक है, राइट पे लक्की हो गए, ठीक है। अब वो रेडर के ऊपर नजर डालते हैं, राइट रेडर, ठीक है। बेनिफिट किसको मिलेगा ओपोनेंट टीम का, लेफ्ट रेडर लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है। तो देखते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे कौन है, फैजल। तो चलो फैजल तो भाई रखना ही रखना है, वो तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फैजल हो गया, ठीक है। अब फिर नजर डालते इधर से देखोगे विकास खंडोला जो कि अपने टीम की तरफ से सेकंड रेडर रहने वाले हैं, ये क्या है लेफ्ट रेडर, और इधर से देखोगे जो कि थर्ड रेडर, या एकदम से कंफ्यूजन है मैनेजमेंट चाहिए किसको ज्यादा मौका मिलेगा। देखो 50-60% रेड करने वाले हैं अर्जुन देसवाल, वही बात करें तो 20-25% रेड करेंगे यहाँ से मेरे भाई श्रीकांत यादव, सेम एज देखोगे 20-25% रेड करेंगे विकास खंडोला, और लंबा समय तक चेयर पे रहे अर्जुन देसवाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो अल्टरनेटिव रेडर जो है वो लेफ्ट रेडर हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेफ्ट रेडर है तो 50% रेड किसके पास जाएगी, राइट रेडर जो कि मेरे भाई नितेश हैं इनके पास, इसलिए नितेश और फैजल दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बंगाल वॉरियर्स की तरफ से, ठीक है। वही बात करोगे तो भाई अब कुछ चीजें बदलेगी, जैसे मनिंदर हो गए राइट रेडर हो गए, अब मनिंदर सिंह है, ठीक है, ये अपने कोटा का 70% से मेरे भाई 80% रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो अब 70-80% रेड करने वाले हैं, राइट रेडर है ओपोनेंट टीम का मेरे भाई, लेफ्ट रेडर के ऊपर नजर डालोगे तो यहाँ से अंकुश राठी है, तो अंकुश राठी इंपॉर्टेंट हो गए। और भी देखोगे जैसे नितिन हो गए, नितिन राइट रेडर है, तो यहाँ से देखोगे मेरे भाई प्रॉपर तरीके से लेफ्ट रेडर को इंपॉर्टेंट, सेम एज देखोगे इधर से अर्जुन जो कि एक लेफ्ट अर्जुन राठी जो कि एक लेफ्ट रेडर है, ठीक है, बट इनको चांस कितना मिलने वाला है मेरे भाई, एकदम ना के बराबर देखना, क्योंकि 70-80% रेड तो मनिंदर ही मार देंगे, बचा हुआ मार देंगे मेरे भाई यहाँ से नितिन, फिर बचता क्या है भाई साहब के लिए, कुछ नहीं, जीरो। इसलिए जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से नजर डालोगे तो अंकुश राठी इंपॉर्टेंट है, कंपेरिजन कराओ तो लक्की शर्मा के साथ, हालांकि लक्की शर्मा का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होगा मैच में, क्योंकि चीजें बदलेगी जब बेंच में जाएंगे प्लेयर तो फिर मौका तो मिलेगा ही, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट इनिशियल स्टेज का मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। लक्की शर्मा और अच्छे भी करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से, नो डाउट। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का बात आती है यहाँ पे, एक ये टीम है नजर मारो तो 6 खिलाड़ी हैं, सातवां कैसे आपको मैनेज करने हैं, जब ऐसे आप बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो चीजें बदल जाएगी, कोई भी एक खिलाड़ी बचेगा नहीं आपको। और ऑलराउंडर सेक्शन से सिंपल समझो, ऑलराउंडर सेक्शन से अभी तक जो स्टार्टिंग सेवन मैंने एनालिसिस कराया, एक अर्जुन राठी दिखेंगे आपको ऑलराउंडर सेक्शन से, बाकी ऐसा कोई खिलाड़ी दिखेगा नहीं जो खेलते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो ये ड्रीम इलेवन की टीम है, डिफेंडर सेक्शन से मेरे भाई फैजल हो गए, अंकुश राठी हो गए, और मेरे भाई यहाँ से नितेश हो गए, ठीक है। तीनों के तीनों धुरंधर मेरे भाई, किसी एक को हटाओगे टीम खराब चली जाएगी, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन एक डाउटफुल है सारी चीजें, मनिंदर सिंह हो गए मेरे भाई, अर्जुन देसवाल हो गए, विकास खंडोला हो गए, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें आप ध्यान रखना, इधर से देखोगे मैं बताता हूं, एक नाम आता है श्रीकांत यादव जो कि मेरे भाई लास्ट सीजन जो है खेले थे बंगाल वॉरियर्स की तरफ से, अब जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से खेलेंगे, ठीक है। तो इनको इंटरनली कुछ चीजें पता होगी, ठीक है, प्लानिंग वगैरह कैसे करते हैं सारी चीजें तो पता होगी, ठीक है। अब वो जो टीम है यहाँ पे, एक तो ऑलराउंडर लेना है आपको, किसको लेना है, देखो सेम है जैसा कि मैंने बताया कि अंकुश राठी को आप जो है स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 70-80% रेड मनिंदर करने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि दोनों के दोनों आपको
कवर जो है, कवर और कॉर्नर, सॉरी दोनों के दोनों, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर में भाई आपको सेव करने हैं बंगाल वॉरियर्स की तरफ से, ये भी मैंने आपको बताया। तो बहुत ही ज्यादा डाउट क्रिएट होगा। यहाँ पे दो खिलाड़ी का नाम है मनिंदर अर्जुन जायसवाल, दोनों के दोनों अपने टीम की तरफ से मेरे भाई फर्स्ट रेडर रहने वाले हैं, जो कि अर्जुन जायसवाल मार के चलो 50% रेड करने वाले हैं और 70-80% रेड भाई यहाँ से मनिंदर करने वाला है। तो स्किप कर सकते हो आप अर्जुन जायसवाल को, इनके जगह पे आप श्रीकांत यादव को लेके क्रेडिट का प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट नहीं, आप सोचोगे कि नहीं मैं डिफेंस सेक्शन से जाना चाहूँ तो मेरे भाई अंकुश राठी को स्विच कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है मेरे भाई आपके लिए सेफ होगा अंकुश राठी को स्किप करना, ठीक है। मैं तो बोलूंगा अर्जुन देसवाल के साथ ही चले जाना, हालांकि बड़ा खिलाड़ी है बट मैनेज तो करना पड़ेगा ना। हालांकि कोई ऐसा खिलाड़ी का नाम आता है ऑलराउंडर सेक्शन में जो मैनेज करवा दे क्रेडिट आपका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको पिक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं एक सेनेरियो बता रहा हूँ आपको कि जैसे चीजें बदलेगी वैसे ही आपको सारी चीजें बदलना है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अंकुश राठी को स्किप करो इस मैच के लिए, मेरे भाई बीवीआई होंगे क्योंकि 70-80% रेड भाई यहाँ से मनिंदर मारने वाले हैं, ठीक है। विकास खंडोला मार लेंगे 20-25% जैसा कि मैंने बताया, रेस्ट बच गए मेरे भाई यहाँ से श्रीकांत यादव मार लेंगे। अगर अर्जुन देसवाल को स्किप करते हो तो इनके जगह पे श्रीकांत यादव को यहाँ आपको रखने होंगे, फिर क्रेडिट का प्रॉब्लम उधर से आपका खत्म हो जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बना सकते हो। कैप्टन के लिए आप मनिंदर के साथ जा सकते हो, ऑल टाइम फेवरेट। वाइस कैप्टन आप फैजल के साथ जा सकते हो, अंकुश के साथ जा सकते हो, नितेश के साथ जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अर्जुन देसवाल को रखते हो अपने टीम में तो अर्जुन देसवाल भी आपके लिए अच्छे पिक होंगे वाइस कैप्टनसी के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल अपडेट के लिए मेरे भाई बने रहो टेलीग्राम के साथ, टेलीग्राम पे हर एक मैच मैं कवर कर रहा हूँ, बारीक से छोटा मोटा अपडेट भी दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट अपडेट हो रही है आप लोगों के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, माफी चाहते हैं थोड़ा आवाज डाउन लग रहा होगा तो तबीयत खराब हो रखी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे भी वो वीडियो तो आती रहेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपना भी ख्याल रखिए, आप सीखते रहिए, जीतते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।